हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ambitiousbaba.com। मैं हूं गणेश रावत। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो एरिया, जो टू डायमेंशनल के क्वेश्चन होते हैं एरिया का। एरिया ऐसे दो टाइप के इसमें होते हैं, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है टू डायमेंशनल। गाइज, मिसलेनियस का या वर्ड प्रॉब्लम का ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में जरूर आप इसको करिए। वीडियो को आज पूरा देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हाँ, ये टॉपिक के क्वेश्चन करने चाहिए। क्योंकि इसका जो आज मैं आपको सिर्फ फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ, फार्मूला समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से आइडिया आ जाएगा और तुरंत आपको क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। क्योंकि इसके क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, अगर आपको फार्मूला पे कमांड है तो आप इसको विद इन 30 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने हैं वाले हैं वो टू डायमेंशनल है। थ्री डायमेंशनल का थोड़ा सा वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वो हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। बट फिलहाल आज का जो टॉपिक है एरिया, हम लोग टू डायमेंशनल के क्वेश्चन करने वाले हैं। स्पेशली प्रीलिम एग्जाम में जनरली ये देखे जाते हैं। थ्री डायमेंशनल के क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। मीन्स में कहीं कहीं थ्री डायमेंशनल के देखे जाते हैं, बट बहुत कम चांसेस है। यानी कि बैंकिंग एग्जाम में अगर आपको करना है, ज़्यादा जानना है, तो सिर्फ और सिर्फ एरिया का पार्ट भी अगर आपने कर लिया तो भी इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिया से जो टू डायमेंशनल के रिलेटेड क्वेश्चन ये है, कुछ एक और फिगर है वो हम आगे करेंगे वीडियो में। बट फिलहाल अगर आप ये समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा कवर होते हैं। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। अब देखिए, ये ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, हम हर किसी में हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर का भी हम लोग फार्मूला समझने वाले हैं। बट ये पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है जो बाउंड्री है उन सब का टोटल, यानी उन सब का एडिशन इज कॉल्ड पेरीमीटर। एंड एरिया क्या होता है? सपोज गाइज, आपने एक प्लॉट लिया, प्लॉट खरीदा, ये प्लॉट है। ठीक है, तो इसमें एरिया क्या है और इसमें प्लॉट एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है? अगर आपने प्लॉट खरीदा, ठीक है, उसमें आपने फेंसिंग कर दिया पूरा चारों तरफ, तो जो चारों तरफ आपने वायर लगा के जो फेंसिंग किया, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, क्योंकि वो टोटल लेंथ बताएगा। यानी दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। अगर उसी प्लॉट पे आपने टाइल्स का काम किया या मिट्टी आपने फिल किया, तो दैट इज व्हाट, अगर पूरा का पूरा आपने टाइल्स यानी कि ये वाले पार्ट जो कवर किया, तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं एरिया। तो यही है एरिया और पेरीमीटर। आइए हम लोग देखते हैं इसमें ट्रायंगल में व्हाट इज एरिया एंड ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या होता है। अगर ये ए बी और सी है, ठीक है, ए बी और सी है, बराबर। अब यहां पे मैंने इसमें अगर पेरीमीटर का जानना है, इसमें पेरीमीटर क्या हो जाएगा गाइस, यहां पे पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला कि जो बाउंड्री का जो टोटल होगा, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी ए प्लस बी प्लस सी इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब एरिया देखते हैं यहाँ पे। एरिया के केस में आपको क्या करना है, चलिए हमने यहाँ पे एक लाइन दे दिया, परपेंडिकुलर एक लाइन दे दिया, और इसको ये कहते हैं हाइट। तो एरिया इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा एरिया। एक और एरिया है जो कि हम लोगों ने 9th के क्लास में या 8th के क्लास में पढ़ा था, जिसको बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। और वो क्या होता है, उसमें अगर आप एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये है एरिया। अब एस क्या है, एस इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर का आधा इज एस। तो यानी कि अगर यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ऐसा कुछ भी दिया है, तो एस क्या करना है, इन सब का एडिशन डिवाइड बाय टू एस हो जाएगा। और यहाँ पे एस का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू आपको पता है, ए बी और सी का वैल्यू पता है, उससे आपका एरिया निकल जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है ट्राइंगल का गाइस, जो काफ़ी पॉपुलर है। जनरली जो टू डायमेंशनल में ट्रायंगल दिया जाता है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल ट्रायंगल था, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी इक्विलेटरल का मतलब है तीनों साइड सेम हो जाएगा, तीनों साइड सेम हो जाता है, तो इसमें एरिया क्या है, इसमें अगर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, यानी कि पेरीमीटर हो जाएगा 3a, बराबर ना, पेरीमीटर हो जाएगा 3a।
लेकिन एरिया इसका जो होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आज आपको याद नहीं करना है, फॉर्मूला आपको समझना है। तो चलिए मैं इसमें कैसे आपको आज ये फॉर्मूला कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। गाइस आपको पता है कि अगर इसमें मैंने एक लाइन यहाँ पे खींचा तो ये क्या, ये हाइट है परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों को ये आधा कर देगा, यानी कि दिस वन इज ए बाय टू एंड दिस वन इज ऑल्सो ए बाय टू, बराबर ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ना, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है ये 60 डिग्री होता है, बट छोड़िए यहाँ पे उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, अगर हमने इसको बेस माना, ये हाइपोटेनियस माना, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बाय टू, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बराबर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर, ये रूट में है, दिस इज व्हाट ए, ए बाहर आ जाएगा ना, रूट थ्री बाय फोर। ये क्या निकला, ये निकला आपका हाइट, हाइट निकल गया ना। और आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए बाय टू, और हाइट कितना, सॉरी ये फोर नहीं होगा, ये टू हो जाएगा, और हाइट कितना है, हाइट है रूट अंडर, सॉरी ए रूट थ्री बाय टू। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे बेस, नो बेस हो जाएगा ए, है ना, बेस पूरा हो जाएगा ना टोटल, ये बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर, यानी कि फॉर्मूला यही हो जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकलता है, ठीक है गाइस, आई थिंक ये क्लियर आ रहा होगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का आपको जनरली अगर फॉर्मूला अगर आपको ध्यान रखना है तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, और इक्विलेटरल का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हेरोंस फार्मूला मत यूज़ कीजिए, और इतना ज़्यादा बैंकिंग में आपको देगा भी नहीं कि हेरोंस फार्मूला यूज़ करना पड़े आपको। तो एरिया का आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड रूट अंडर थ्री बाय फोर ए स्क्वायर इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी फिलहाल इतना ही समझिए आप, क्योंकि बैंकिंग के लिए ये इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल में। अब रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं जहां पे आमने सामने का जो साइड है वो सेम हो, आमने सामने का साइड यानी कि ये और ये पार्ट इक्वल हो, और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो, ठीक है, ये पार्ट इक्वल हो और ये दोनों पार्ट इक्वल हो, है यहां पे इक्वल, एंड हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसी को रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। अगर ये यहाँ पे बेस ले लेते हैं या बी ले लेते हैं, और इसको अगर हमने ए ले लिया, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए यानी टू ए, बी प्लस बी टू बी यानी टू ए प्लस टू बी, है ना, 2a प्लस 2b, ये पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी। अब एरिया की जहां तक बात है तो इसमें क्या हो जाएगा, a इंटू बी, है ना। प्लॉट हम लोग खरीदते हैं जनरली तो क्या होता है, एरिया नहीं बोलते हम लोग, 20 बाय 30 साइज का है, हमने एक प्लॉट खरीदा तो वही है, वो क्या है 20 बाय 30, क्या है वो बेस इंटू, ये कह सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही है, ये अगर लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज कॉल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये काफी इजी था। स्क्वायर देख लेते हैं, अभी इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, अब हम लोग आते हैं स्क्वायर में, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में हर एक साइड सेम होता है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, हम बोल सकते हैं स्क्वायर जो है वो भी एक तरह का रेक्टेंगल है, बट दोनों में फर्क क्या है, स्क्वायर में हर एक साइड सेम होता है, अगर ये भी ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ए यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फोर ए। अब एरिया क्या हो जाएगा गाइस,
ए इंटू बी है ना, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एल भी लेकर के चलेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ए अब यहाँ पे ए इंटू ए करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया ना, एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का काफी सिंपल था बराबर। अगर आप यहाँ पे इसका डायगोनल निकालना चाहे, इसको डायगोनल कहते हैं, इसको डायगोनल कहते हैं बराबर ना। तो डायगोनल अगर निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो खुद भी। ये 90 डिग्री का एंगल, स्क्वायर क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का है, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, डायगोनल ही आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो आप हाइपोटेनियस के फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका डायगोनल निकल जाएगा। नाउ आते हैं हम लोग सर्कल में बराबर। दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कल एंड ये है सेमी सर्कल। अब सर्कल में आते हैं, सर्कल में क्या है, अभी देखिए यहां पे पेरीमीटर बोलते हैं बट यहां पे पेरीमीटर नहीं बोलते, यहां क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस इसका क्या होता है, इसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr। नाउ अब सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस भी एक तरह से पेरीमीटर ही है। पेरीमीटर हम लोग इस वहां पे जब ये रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप या ट्रायंगल शेप में होता है तो वहां पे हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन जहां पे सर्कल के शेप में होगा तो हम लोग वहां पे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर, पेरीमीटर में मैंने आपको बताया ना कि बाउंड्री का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। सर्कमफेरेंस में क्या होता है कि अगर सपोज हमने एक वायर लिया, वायर को एक सर्कल के फॉर्म में हमने उसको मोड़ दिया, अब वायर को आप सीधा करेंगे तो वो लेंथ जो होगा दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस है ना, वो लेंथ ही होता है सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। नाउ एरिया इज व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये एरिया है, किसका एरिया है, सर्कल का। नाउ आते हैं इसमें सेमी सर्कल में, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल है ना। अब सेमी सर्कल में देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया बराबर। अब ये दोनों, अभी इसको रेडियस बोलते हैं, यहां सेंटर से यहां तक का लेंथ को रेडियस बोलते हैं, और ये भी रेडियस हो जाएगा। दोनों को अगर पकड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2r, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो डायमीटर है ना। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। नाउ अब यहां पे सर्कमफेरेंस क्या होगा और यहां पे एरिया क्या होगा, देखिए गाइस यहां पे एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, यानी इस पूरे एरिया, इस पूरे पार्ट को जो हम लोग डिनोट करेंगे वो है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल में एरिया क्या हो जाएगा, नो डाउट इसका आधा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय टू, आधा। अब सर्कमफेरेंस यहां पे क्या होगा, इसका आधा जी नहीं, यहां पे होगा पाई आर प्लस डी, या बोल सकते हैं पाई आर प्लस 2R। क्यों होगा यहां पे 2R और d क्यों ऐड किया, गाइस मैंने आपको बताया सर्कमफेरेंस इज व्हाट, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा लेंथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सेमी सर्कल में अगर सेमी सर्कल की बात किए तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ, यानी कि आप पूरा अगर बाउंड्री का एडिशन कर रहे हैं तो यहां से यहीं तक का होगा ना, आधा अगर करेंगे तो इसका आधा, यानी पाई आर इक्वल टू व्हाट, पाई आर इक्वल टू यहां से लेके यहां तक का, तो इसका व्हाट, इसका क्या करेंगे आप, तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो पाई आर प्लस 2R या पाई आर प्लस डायमीटर इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। गाइज आई थिंक ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं करना है, हाँ नो डाउट ये बेसिक फॉर्मूला है, जैसे लाइक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो ये सब आपको एक नो डाउट की रट्टा मारा होना चाहिए, लेकिन आपको इसमें फॉर्मूला आपको समझना भी होना चाहिए कि क्यों सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस पाई आर प्लस 2R होता है या पाई आर प्लस डायमीटर क्यों होता है और सर्कल का 2πr ही क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग कुछ और डायग्राम की ओर चलते हैं, कुछ और पिक्चर देखते हैं इसमें जो टू डायमेंशनल है, जनरली एग्जाम में आते हैं तो हम लोग उसको भी देखते हैं। चलिए अभी हम लोग चलते चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब ये क्या है, ये एक तरह का रेक्टेंगल है।
रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस यही है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का हर एक एंगल नहीं होता, यही डिफरेंस है, बाकी सारे प्रॉपर्टी सेम है। यानी आमने सामने का जो ये साइड है वो सेम है, आमने सामने का जो साइड है वो सेम है, सिर्फ एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है। अब पैरेललोग्राम को समझना है तो आपको थोड़ा एक बार और रेक्टेंगल की तरफ ले चलते हैं। रेक्टेंगल में आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी प्रॉपर्टी सेम होता है। गाइज अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, और पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, 2 × L + B, ये होता है। यहां पे भी अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, बराबर ना, तो यहां पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके का 2 × L + B, बिकॉज 2L + 2B करेंगे तो 2 × L + B ही होगा। एरिया यहां पे जो होता है इसका लेंथ इंटू हाइट होता है। अब ये देखते हैं कि लेंथ इंटू हाइट क्यों होता है, ठीक है। चलिए ये ब्रेथ है, अब मैंने यहां से एक लाइन ऐसे खींच दिया। मैं इसलिए कह रहा था कि आज फॉर्मूला सिर्फ आपको याद नहीं करना है, फॉर्मूला समझना है, यानी ये 90 डिग्री। अब जितना उधर किया, अगर यहां पे भी हमने एक लाइन हाइट का ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां ये रेक्टेंगल हो गया ना एक तरह का, 90 डिग्री है, यानी कि हर एक एंगल अब 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए गाइस, जितना अब यहां पे हमने इतना ये बढ़ा दिया तो इतना हमने इधर कम कर दिया, तो यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ L ही हुआ। यहां से यहां अगर L है तो यहां से यहां भी L हो जाएगा, और ये तो अपना B ही है, सॉरी B नहीं होगा, ये हाइट हो जाएगा, क्योंकि B अलग है, B का हाइट, B का लेंथ और इसका अलग हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, L × H, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, L × H, और यही एरिया पैरेललोग्राम का होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हमने इतना कट कर दिया तो इतना हमने बढ़ा दिया तो एरिया तो सेम ही हो जाएगा ना, एरिया सेम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट। अगर आप इतना पार्ट को इधर कम कर रहे हैं तो इतना पार्ट को बढ़ा रहे हैं, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया इस तरीके से निकलता है। यानी रेक्टेंगल का L × B हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा, L × हाइट होता है, सिंपल, ठीक है। और इसमें पेरीमीटर जो है वो सेम रहता है, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वही इसमें भी रहता है। रॉम्बस, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रॉम्बस। अब रॉम्बस का क्या है, रॉम्बस का वही प्रॉपर्टी है जो स्क्वायर का है, यानी सारे जो साइड हैं वो सेम है, सारे साइड सेम है। यहां पे इसको जो बोलते हैं ये डायगोनल, अब इसको D1 और ये D2, ये दोनों अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप देखिए ये साइड ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा डायगोनल। अब यहां पे पेरीमीटर क्या होगा, वही पेरीमीटर होगा जो स्क्वायर का होता है, यानी 4a, ठीक है। एरिया यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, 1/2 × D1 × D2, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। रॉम्बस का एरिया जो है 1/2 × D1 × D2, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। नाउ ये आते हैं गाइस, ये क्या है, ये है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ना। अब ट्रेपेजियम में आप, चलिए इसको हम लोग दे देते हैं हाइट। अब ये जो साइड है और ये जो साइड है ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल चलता है, ये और ये पैरेलल नहीं चलता है। तो मान लेते हैं ये साइड ए है और ये बी है, इसको एम ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं, तो गाइस पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहां पे, A + B + M + N। तो पेरीमीटर आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, जो बाउंड्री है उस सारे बाउंड्री का एडिशन ही पेरीमीटर होता है। अब यहां पे जो एरिया होता है वो क्या हो जाएगा, 1/2 A + B × height, है ना, 1/2 A + B × height। अब A + B आपको ध्यान रखना है, गलती से आप M + N मत ले लीजिएगा, क्योंकि A + B वही वाला पार्ट आपको ऐड करना है जो पैरेलल है, A + B × height। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो आई होप गाइस कि पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, रॉम्बस एंड पैरेललोग्राम
ये आपको ध्यान में आ गया होगा, है ना। ये इसको रेक्टेंगल से हमने कनेक्ट करके दिखाया, ये रॉम्बस है, काइंड ऑफ स्क्वायर होता है, स्क्वायर में 90 डिग्री का हर एक एंगल होता है, बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस एम प्लस एन होता है, और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी वही लेना है जो पैरेलल साइड है, इंटू हाइट, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो ये टू डायमेंशनल का था। टू डायमेंशनल में और ज्यादा कुछ आपको नहीं समझना, एक है हाँ, एक आपको पॉलीगॉन या रेगुलर पॉलीगॉन वो थोड़ा सा आ जाता है, वो थोड़ा सा आपको समझना है बस, मेरे ख्याल से वो भी ज्यादातर एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग में उसका पॉलीगॉन और हेक्सागोन वगैरह ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो अगर हम उसको लेते भी है तो बहुत मुश्किल नहीं है उसमें भी, अगर आप चाहें तो, अगर आपको ट्रायंगल वगैरह का फॉर्मूला ध्यान में है तो आप हेक्सागन और पॉलीगॉन का आप आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला। जैसे मैंने सपोज एक हेक्सागन बना दिया यहाँ पे, एक दो तीन चार, है ना, पांच और ये छः, बराबर, ये हेक्सागन बना दिया हमने। तो हेक्सागन का मतलब ये है सारे साइड सेम, रेगुलर हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है या रेगुलर पॉलीगॉन जो भी बोलिए, ठीक है, तो ये रेगुलर साइड है। अब देखिए सारे साइड सेम है तो ये जो एंगल है वो सब सेम होंगे, यानी 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा तो गाइस क्या हो जाएगा, एक मैं ट्रायंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये क्या बना, ये बना इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड ए है तो एरिया क्या होता है, रूट अंडर थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। और पेरीमीटर तो 3a होता है, बट यहाँ पे पेरीमीटर जो होगा वो अगर 6 साइड है तो 6a हो जाएगा, ठीक है। अब ये एरिया है किसका, एक ट्रायंगल का हमने लिया, टोटल ट्रायंगल कितने हैं, रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर, ट्रायंगल कितने हैं, टोटल ट्रायंगल है 6, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका तैयार है फॉर्मूला रेगुलर हेक्सागन का। तो वैसे अगर आप चाहें तो पॉलीगॉन वगैरह का निकाल सकते हैं, बट ये बैंकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कि ये इसका क्या कहते हैं, हेक्सागन वगैरह का है, थोड़ा सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। गाइस मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं जिससे कि थोड़ा सा आपको अप्रोच समझने में आसानी हो जाएगा। मैं दो यहां पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, बट फिलहाल ये दो पिक्चर मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं। अभी आप इससे, इस क्वेश्चन से थोड़ा अप्रोच समझेंगे, ये क्वेश्चन है, दूसरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक है, इसमें ये शेडेड पोर्शन है, तो कहीं ना कहीं आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है अभी जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, एंड यस ये रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है दोनों। अभी क्वेश्चन ये है कि इसका लेंथ अगर ये सपोज 30 है, मैं कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, और ये इसका ब्रेथ जो है वो 20 है, ठीक है, और मतलब ये एक मतलब एक ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, एक ग्राउंड है और इसमें क्रॉस रोड है, ठीक है, तो क्रॉस रोड का इसमें जो लेंथ है वो है 2 मीटर, दो, और ये 20 मीटर है और ये 30 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्रॉस रोड का एरिया बताना है,
ठीक है। या क्वेश्चन ये है, दोनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। क्वेश्चन ये है कि जो क्रॉस रोड के अलावे प्लॉट है उसका एरिया बताना है। उसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है, चलो इसको भी मैं 30 ले लेता हूँ। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक ग्राउंड है, ग्राउंड के बाहर ये ऐसा कुछ भी प्लॉटिंग किया हुआ है, कुछ भी अगर यहाँ पे लगाया गया है तो आपको बताना है शेडेड एरिया। ये फोटो फ्रेम ले लीजिए, ये फोटो फ्रेम है, ये फोटो है और ये फ्रेम है, तो इसमें फ्रेम का एरिया आपको बताना है या फोटो का एरिया बताना है कि कितना है, ठीक है। 30 एंड 20 दिया हुआ है और ये जो फ्रेम का साइज है ये 2 मीटर है, लगभग क्वेश्चन सेम है, ठीक है। चीजें अलग अलग है, ये ग्राउंड है, यहाँ क्रॉस रोड है, आपको बताना शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है या शेडेड पोर्शन जो नहीं है यानी जो खाली प्लॉट है उसका एरिया बताना है। तो इससे थोड़ा सा आपको एक अप्रोच समझ में आएगा। देखिए माइंड में क्या चल रहा होगा, माइंड में चल रहा होगा अच्छा शेडेड पोर्शन का एरिया बोला, चलो टोटल एरिया निकाल लेते हैं और ये प्लॉट वाला एरिया हम कम कर देते हैं। गाइस इससे बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे आपको समझना है, देखिए टोटल ये आपने जो सोचा कि टोटल जो एरिया है चलो वो निकाल लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर, बराबर ना। 30 × 20 600 मीटर स्क्वायर। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो आप शेडेड पोर्शन की तरफ ही देखिए, क्या ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, ये भी तो रेक्टेंगल ही बन रहा है ना। तो इसका एरिया देख लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये 30 और ये कितना है 2, तो ये एरिया 1 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 30 × 2 यानी 60 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, 60 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 2 क्योंकि ये भी क्रॉस रोड में सबका लेंथ 2 मीटर मैंने बताया, 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। बट 100 मीटर स्क्वायर आंसर नहीं होगा अपना, क्यों नहीं होगा 100 मीटर स्क्वायर आंसर, बिकॉज आप ध्यान दीजिए ये वाले पार्ट को हमने 2 बार कंसीडर किया है, दो दो बार हमने उसको काउंट किया है, दो दो बार काउंट किया, तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2, तो ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ना। तो एक बार इसका एरिया अगर हमने माइनस कर दिया यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मीटर स्क्वायर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर, यानी शेडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर। समझ में आया ना कि ये कितना आसान था, आसानी से निकाला जा सकता था। दूसरा, अगर आप सिर्फ ये जो प्लॉट है, ये जो खाली प्लॉट है उसका एरिया निकालना है, तो गाइस टोटल के एरिया में अगर हमने शेडेड पोर्शन का एरिया माइनस कर दिया तो वो निकल जाएगा, यानी 600 − 96 इज योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग। अब यहां पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन लगभग वही, मैंने फिगर जो है वो लगभग सेम ही रखा है, ठीक है, सेम ही रखा है। इसमें 30 20, यानी कि अगेन ये कंप्लीट का इसका क्या हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। तो अभी शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां पे ये गलती मत कर दीजिएगा कि ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल करके फिर माइनस करना। यस वैसे भी कर सकते हैं, मना ही नहीं है उसमें, वो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन गाइस टोटल कितना है, 30 × 20 600। अगर हमने ये फोटो का निकाल दिया एरिया, फोटो का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक 30 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 हमने अगर माइनस कर दिया यानी कि माइनस कर दिया, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 26। उसी तरह 20 में ये 2 और ये 2 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा। तो एरिया उसका क्या हो जाएगा, फोटो का एरिया क्या हो जाएगा, फोटो का एरिया क्या हो जाएगा, 26 × 16 यानी 6 32 और 9 41 6 मीटर स्क्वायर। अगर हमने इसको माइनस कर दिया, 600 − 416, आपका रिक्वायर्ड आंसर यानी कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा, 184 मीटर स्क्वायर, और फोटो का एरिया तो अभी हमने निकाल ही लिया। तो गाइस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका अप्रोच है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो एरिया क्या और किस तरीके से निकाला जाता है इसको, टू डायमेंशनल के क्वेश्चन के बहुत आसानी से आप समझेंगे। तो गाइस आई थिंक आज का आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू सो मच गाइज़।